जय हिंद दोस्तों, आप सबका सिद्धार्थ सर चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 20 जनवरी और यहाँ से आरपीएफ कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और मैं आपको बता दूं, जिसमें मैंने हमारे पास जो क्वेश्चन आए मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस के, करंट के, तो मैं यहाँ से आप सबको डिस्कस करूँगा। अगर आप हमारे सभी वीडियो देखते हैं, अगर आपका अगले दिन या अगले कभी भी क्लास पेपर है, तो इस हिसाब से आपके 8 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब बेल बटन जरूर दबा लीजिए। और आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहते हो तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम की लिंक हम आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथ्स का। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वह राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? तो इस तरीके का जो ऑप्शन आपका था 8, 10, 12, 14, तो इस तरीके के क्वेश्चन को क्या लिखना, टोटल कितने वर्ष दिए 20, और दोनों के यानी कि पहले 3 गुनी फिर 2 गुनी, दोनों को माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा। यहां से कितने वर्ष में पूछिए 2 गुना हो जाती है, तो यहां से 2 डिवाइड कर देंगे तो 10 वर्ष में आपका क्या हो जाएगा यहां से फ्रेंड्स आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्योंकि 120 क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम का भी बहुत अभाव रहता है, तो आपको इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से करना। अगला क्वेश्चन है, 25 कुर्सियों की लागत मूल 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मैं आपको ऑप्शन यहाँ से 15, 20, 25 और 16 सही 2/3 जो ऑप्शन थे। तो देखो, यहाँ से जो लागत मूल्य का है, तो सीधा सीधा आपका सीपी जो बन जाएगा 30 और विक्रय मूल्य बन जाएगा 25, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो 1/6 जो कि आपका 100 से करेंगे तो 16 सही 2/3 आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप शॉर्ट ट्रिक करेंगे तो आपका टाइम बचेगा, 2 से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला, एक व्यापारी किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचता है और 10% लाभ होता है उसे, तो आपको बताना था किराए मूल। मैं बता दूं इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करना, 110 में वो क्या करता है, बेचता। जब आपको किराए मूल पूछा जाए तो जो भी जोड़ना घटाना है उसे नीचे मल्टीप्लाई 100 कर देना है, सीधा काटेंगे यहाँ से आपका 100 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ से रीजनिंग की बात की जाए, यहाँ जो और क्वेश्चन है टमाटर, आलू, गाजर, प्याज, तो मैं बता दूं इसका जो आंसर आपका हो जाएगा टमाटर, इसका आंसर हो जाएगा ऑड फ्रेंड्स आपका सही। अगला है, एच आर से पूर्व में है और डी से उत्तर की ओर है, तो आपको बताना डी आर किस दिशा में है, तो आपको बताना जैसे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एच आर से पूर्व में, तो देखो आपको याद पता होना चाहिए हमारी दिशा है पूरब इस दिशा में होता है और आपको पता होना चाहिए पश्चिम इस दिशा में, तो इसमें कहा गया एच आर से पूर्व में है, तो देखो एच यहाँ होगा, एच आर से पूर्व में है तो आपको पता होना चाहिए, तो ये एच यहाँ मैं आर मान लेता हूँ, यहाँ एच हो जाएगा ठीक है, तो आपको बताना है। फिर यहाँ से कहा गया ये आता था डी से उत्तर में, आपको पता करना है जो एच है जो डी से क्या है उत्तर में, तो यहाँ से डी होगा, तो अब आपको आंसर बताना था कि डी आर से किस दिशा में है, तो डी है जो आर से किस दिशा में, दक्षिण पूर्व में है, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहा है, ज्यादा कठिन पेपर नहीं आ रहा मैं आपको बता दूं। और कैंडला का मात्रक पूछा गया, तो आपको याद रखना है ज्योति तीव्रता। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो आपको पता होना चाहिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज का मैं बता दूं अर्थव्यवस्था से ज्यादातर क्वेश्चन इको से पूछे गए हैं। अगला मैं बता दूं अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, ये क्वेश्चन था, तो आपको मैं आंसर बता दूं गरीबी में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। इस तरीके से अगर जिसकी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, जिसने किया है, तो उसे इस तरीके से आएगा। एक क्वेश्चन आया था फ्रेंड 3, 10, 24, 25, इसका जो ऑप्शन आपको हमारे पास नहीं प्राप्त हुए, अगर आपसे ये क्वेश्चन बन जाए तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बता दीजिए। अगला मैं आपको बता दूं सी बाई डी का जो संबंध है एफटीएच आईओएल का है जेएल से, इसी तरीके से आपको पूछा था, तो यहां से मैं बता दूं यहां से इसका देखो पहले ये 3+ हो रहा है फिर -5 हो रहा है, इसी तरीके से आपको मैं बता दूं यहां से जो अगला सेशन हो जाएगा 3L में जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15, उसी तरीके से इसमें से 5 माइनस करेंगे ई, इसमें से आपको फिर से ये 4 जोड़ना, इस तरीके से ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स हमारे पास मैं आपको बता दूं करंट के सिंपल से क्वेश्चन आए, तो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम और इसके अलावा ये आपको हाल ही में कहां किसकी सरकार बनी, ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। और मैं बता दूं कुछ क्वेश्चन ट्रेन से पूछे गए जो हमारे पास अभी प्राप्त नहीं हुए हैं उनका पूरा हमारे पास सही से। और इसके अलावा जो मैं बता दूं यहाँ से कुछ
कथन निष्कर्ष से पूछेगा, उन्हें भी आपको देख के जाना है अगर आपका अगले दिन या अगली शिफ्ट में पेपर है तो। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।